नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। केंद्रीय रक्षा पर्यटक राज्य मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने रामनगर के लेटी रामपुर और चोपड़ा गांव को राजस्व गांव बनाए जाने की अधिसूचना जारी होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्रीय वन मंत्री का आभार जताया। अजय भट्ट ने बताया कि दीपावली से पहले रामनगर के लेटी रामपुर और चोपड़ा गांव को बड़ी सौगात मिली है और अब ये तीनों ही गांव राजस्व गांव बन चुके हैं। साथ ही इस मौके पर उन्होंने लोकसभा में राज्य के वन टोंगियों गांवों को राजस्व गांवों का दर्जा देने के लिए उठाए गए अपने सवालों का भी जिक्र किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वन टोंगिया उन श्रमिकों के गांव हैं जो 1930 में वनों में पौधारोपण के लिए हिमालयी क्षेत्र से लाए गए थे और फिर यहीं बस गए। बिजली, पानी, शिक्षा और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी इन गांव में रह रहे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई दशकों से इन गांव में रहने वाले लोग अपने गांव के लिए राजस्व गांवों का दर्जा मांग रहे थे और अब आखिरकार इन गांवों को ये दर्जा मिलने जा रहा है। उम्मीद है कि राजस्व गांवों के दर्जे के साथ ही अब इन गांव के लोगों की समस्याओं का निपटारा होगा और विकास कार्यों में भी गति आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।